मॉर्निंग क्लास सेकंड। अब आज आपको मालूम 19 तारीख है और कल संडे है, परसों आपका पेपर है, तो अब आप कैसे करेंगे अपनी तैयारी? तो देखो, ये एक रजिस्टर का शीट इस तरह निकाल लेंगे, बीच का पेज, और इस पर सुंदर सुंदर ऊपर, जैसे ऊपर समझे डेट, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना सब्जेक्ट और अपना क्लास, इतना मोटा मोटा मतलब डालेंगे। अगर नीचे तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है, कोई बात नहीं, फिर आप नीचे से यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन पेज इस तरह लेना है, ये ध्यान देना ना, दोनों पेज जुड़े होने चाहिए, कॉपी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर कॉपी लेकर आओगे आप तो हम सबमिट नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी सही हो। तो आप केवल पेज लेकर आइए, ओके। अब दूसरी बात, आपको फीस नहीं जमा की है तो आप फीस भी जमा कर जाएंगे, 2 महीने की फीस जमा करनी जरूरी है, तभी हम कॉपी भी लेंगे आपकी। इसके साथ में एक स्लिप ले जाओगे आप, सर जी स्लिप दे देंगे, तो वो इस कॉपी का बंडल जब होगा तो इस पर ऊपर ऐसे पैक करके आप ले आएंगे यहां पर, तो हमें जमा हो जाएगी, तब हम आपकी देखेंगे कि आपकी फीस जमा है कि नहीं। अगर फीस नहीं जमा होगी तो हम कॉपी में हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों कर देंगे ये आपको मालूम है अच्छी तरह, हमने आपको 2-3 दिन से बराबर यही रिपीट कर रहे हैं। आपको 2 महीने की फीस जमा करनी है और वो स्लिप जो लेकर इस पे टैग करके आप यहां पर जमा करने आएंगे, वो भी तारीख मैंने बता दी, 30 तारीख। 30 तारीख, 29 तारीख को आपके पेपर खत्म हो रहे हैं, 30 तारीख समय 9 बजे से 11 बजे तक, इतना आपको करना है। अब मैथ की रिवीजन की श्रृंखला में हम देख रहे थे, कल हमने कराए थे, अब देखो मल्टीप्लाई भी आते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करोगे आप? जैसे ये मल्टीप्लाई है तो हम 5 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 4 4 5 6 30 34, ये चीज आ गई। ऐसे लोगों को पूरा करेंगे 2 9 8 16 कैरी ऑन 1 2 3 6 6 में बन जोड़े 7, अब तो कैरी लगी नहीं, 2 9 18, इस तरह कर देंगे। अब है डिवाइड, अब देखो डिवाइड में आपको फिर ऐसे करना होगा, इस तरह लिखे होंगे तो आपको इस तरह करना होगा, 9 यहां 2 और 63, तो मींस 9 का डिवाइड 63 में हो रहा है। अब 9 की टेबल पढ़ो, पहले नंबर कितना है 6, अब 6 में ली जाएगी तो दूसरे नंबर में देख लो, अब 63 हो गया, 9 7 जा 63, अब काट दिया माइनस कर दिया, ऐसे ही 5 का डिवाइड 125 में 5 2 जा 10 बचा 2, या गया 5 ऊपर कर नीचे होकर फिर आया 5, अब 5 5 जा 25 हो गया। तो इस तरह से आपके सवाल होंगे, और सोमवार को आपका पेपर भी है, शायद मैथ का ही है, तो मैथ के लिए हमने आपसे बता दिया कैसे कागज की 2 ऐसे रजिस्टर के लेना, साफ सफेद, और ऊपर अपना नाम वगैरह सब क्लियर कर ले, लिख लेना, संतुष्ट हो जाना, तब उसके बाद में आप अपने नीचे क्वेश्चन करना शुरू करना, पुराने और फीस भी जमा करनी है। अगर जिसकी पुरानी फीस नहीं जमा है वो पुरानी फीस भी अपनी जमा कर जाए, भाई ये तो करना आपको जरूरी है, तो ये आप करेंगे।